भारतीय नौसेना की परीक्षा में धांधली के मामले में सीबीआई ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चलें कि साल 2010 की लोअर डिवीजन क्लर्क रिक्रूटमेंट की परीक्षा, जिसे वेस्टर्न नेवल कुलाबा ने आयोजित की थी, इस पूरी परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर से कुल 35,000 परीक्षार्थी मुंबई आए थे, जबकि मात्र 400 सीटें ही दरकार थी। इन 4 आरोपियों में 2 आरोपी भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं, जबकि 1 आरोपी मनसा इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट का मालिक है और दूसरा पेशे से टीचर है। देयर आर 4 अक्यूज्ड, वी जस्ट रजिस्टर्ड द केस। देयर आर 4 अक्यूज्ड, वन इज रामबीर सिंह। ये आपको पहले मैं इसे बेसिक फैक्ट्स बता देता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन। रामबीर सिंह, RAMBIR, ही इज ए प्राइवेट पर्सन हु रन्स एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड मनसा, MANSA, मनसा इंटरनेशनल डिफेंस रिक्रूटमेंट एजेंसी एट वाइजैक, दैट इज विशाखापत्तनम। ही इज बींग हेल्प्ड बाई वन होशियार सिंह, ही इज ए टीचर इन वन ऑफ द स्कूल्स इन हरियाणा। इसमें तीसरे आदमी है श्री RC नायक, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, AO ऑफ द वेस्टर्न नेवल डॉकयार्ड। और चौथे हैं DS मूर्ति, ये है AO। नेवी की इस भर्ती में ग्रामीण क्षेत्रों से 150 परीक्षार्थी मुंबई आए थे, जिनसे 15,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक ये आरोपी पैसे लेते थे। इस परीक्षा की भर्ती के लिए 150 परीक्षार्थियों को इन लोगों ने अपने जरिए किए गए बंदोबस्त के अंतर्गत रखा था। परीक्षा होने से पहले ही इन लोगों ने पेपर आउट कर दिए। देखिए, ये वो पेपर है और ये वो हिसाब किताब की रजिस्टर, जिसमें किस छात्र से कितना पैसा लिया गया उसका हिसाब किताब है। लिया जाना था, रिटन टेस्ट लिया जाना था, जिसके लिए, जैसा कि आज हमने वहां जाके देखा, उनके कोहली स्टेडियम में करीब 35,000 कैंडिडेट्स अपियर हुए। इन लोगों ने 3 दिन पहले ही, जो आज जो पेपर आना था, उस पेपर को इन्होंने और उसकी एक कॉपी ले ली। इसकी कॉपी यहाँ के जो AO RC नायक हैं, इन्होंने लीक की और रामबीर सिंह, जो एक्यूज नंबर 1 है, उसको दी। रामबीर सिंह कल DS मूर्ति के साथ में पूना गए और उसकी खूब सारी कॉपियां बनवाई। इन लोगों ने 150 कैंडिडेट्स को अपने खर्चे पे क्रॉफर्ड मार्केट में यूनाइटेड होटल में रुकवाया। उनको कल सुबह से ही सारा पेपर बताया, कईयों को पेपर की कॉपी दे दी, कईयों ने हाथ से लिख लिया, कईयों को की दे दी गई कि 1 नंबर सवाल का उत्तर ए है, बी नंबर सवाल का उत्तर सी है, इस तरह से। आपको बताते चले कि नेवी देश का एक ऐसा विभाग है जो मात्र भरोसे के काबिल है, लेकिन CBI के इस खुलासे के बाद ये विभाग भी शक के दायरे में आ गया। अब CBI पहले की हुई सारी भर्ती को गंभीरता से जांच करेगी। CBI को पूरा यकीन है कि पहले की हुई परीक्षाओं में भी धांधली की गई है। मॉडस ऑपमैन इंडिया, आप पूछ रहे हैं, ये रैकेट कई दिनों से चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है, और इसमें अब देखना पड़ेगा। इससे पहले अब ये आज जो हमने ऑपरेशन किया है, आज वहाँ पे टेस्ट हो गया है। अब इस टेस्ट के साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ में हमें रिपोर्ट यहाँ के नेवल सीनियर ऑफिसर्स को भेज रहे हैं, एंड देन दे शुड एक्ट नाउ। CBI ने इससे पहले भी रेलवे भर्ती बोर्ड के रैकेट का पर्दाफाश कर ये साबित कर दिया था कि देश में मात्र कुछ ही ऐसी संस्थाएं हैं जो ईमानदारी से परीक्षाएं आयोजित करते हैं। इनमें संघ लोक सेवा आयोग और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को हम उंगलियों पर गिन सकते हैं। फिर भी CBI ने लोगों से ये अपील की है कि परीक्षा से संबंधित कोई भी शिकायत है तो आप उसकी सूचना इस नंबर पर दे सकते हैं। नंबर है 0222228274। CBI के जरिए इन 4 लोगों की गिरफ्तारी ने इस बात को सच साबित कर दिया है कि देश के सबसे बड़े सुरक्षा विभाग की परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधलेबाजी की जाती है। फिलहाल CBI के निशाने पर नेवी के वो अधिकारी हैं जो इस पूरे रैकेट को चलाने में अपना सहयोग देते थे।
कैमरा पर्सन देवानंद के साथ शाहिद अंसारी, लेमन न्यूज, मुंबई।